breast cancer, or for that matter, cancer in general, is not a one person's illness. It is a family illness. In the sense, अगर किसी को cancer detect हुआ है, तो पूरी family disturb हो जाती है. Suddenly, it looks कि अभी क्या होगा, आगे कैसे होगा. बहुत सारे विचार आते हैं. पहले थोड़े दिन ये fact accept करने में जाते कि है cancer. फिर धीरे-धीरे they start thinking के treatment. तो मेरा ये suggestion रहेगा कि जब भी cancer detect हुआ है किसी को, ये बहुत ही vulnerable phase है. तो हम आपसे कहेंगे कि आप फिकर मत कीजिए. आपको सबसे पहले प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है. कोई ऑंको सर्जन, ऑंकोलॉजिस्ट, जो भी कैंसर के डॉक्टर हो, या कोई बड़ा सेंटर, टाटा मेमोरियल सेंटर है, मेक श्योर कि आप सही डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा रहे, और डॉक्टर आपको मार्गदर्शन देंगे. नेचुरली कैंसर का वर्ड सुनकर पैर से ज़मीन हट जाती है, नो डाउट. लेकिन 90-95% कैंसर जो अर्ली स्टेज, स्टार्टिंग या इवन बीच वाले स्टेज में, आई कैन अश्योर यू उसमें आउटकम इतना अच्छा है. तो मैं क्या करता हूँ मेरे प्रैक्टिस में, कि जब भी कैंसर किसी को डिटेक्ट हुआ है, मैं उनके एज वाले मेरे 3-4 पेशेंट हो जो जिनका ट्रीटमेंट हो चुका हूँ, उनको मिलवाता हूँ. मैं इनसे कहता हूँ कि आप इनसे बात कीजिए. सो दिस इज़ कॉल्ड अ पीयर ग्रुप. और जब वो पेशेंट दूसरे 3 को दिखता है कि ये बिल्कुल ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए, तो उनको थोड़ा मोटिवेशन भी आता है. और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि हर एक कैंसर पेशेंट बाकी दूसरे पेशेंट के लिए नहीं, हमारे लिए भी एक बड़ा मोटिवेशन है. आप लड़ते रहिए, आप इसमें से ज़रूर बाहर आएंगे. स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कीजिएगा, कोई रोक नहीं सकता आपको इसमें से बाहर आने में. और आप बिल्कुल नॉर्मल होके यू विल बी कम्प्लीटली बैक टू नॉर्मल लाइफ. घबराइएगा मत.